एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि 52 सोने का दान करने वाले कर्ण क्या महाभारत कालीन कर्ण थे या कोई और राजा कर्ण थे। भक्तों, इसके लिए जो मुझे कमेंट प्राप्त हुआ है वह कमेंट आया है टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल से, और श्रोताओं वो लिखते हैं कि गुरुजी एक गाने का अर्थ करें, और वो गाना लिख रहे हैं, जो तो करत सवामन सोनो दान, दानी नाय राजा करण सो। गुरुजी, 52 सोने का दान करने वाले राजा कर्ण क्या महाभारत के कर्ण थे या कोई और राजा कर्ण हुए थे, बताने की कृपा करें। तो समस्त श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज, तो मैं आपको ज़्यादा समय खर्च न करते हुए सीधे लेकर के चलता हूँ अपने वीडियोस पर। श्रोताओं, इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा सा पौराणिक कथाओं से हटकर के सिंहासन 32 की तरफ चलना होगा। सिंहासन 32 में मैंने एक कथा पढ़ी थी, और उस कथा के अनुसार जो 52 सोने का दान करते थे वो दानी राजा कर्ण दूसरे राजा थे। महाराज विक्रमादित्य के समय की बात है, और उनका सिंहासन आपको पता होगा, मैं किसी कहानी में बता दूंगा कि राजा भोज ले आते हैं, और जब राजा भोज उस सिंहासन की तरफ चलते हैं तो उसमें से एक परी निकलती है, और वह परी कहती है कि राजन, यदि तू राजा विक्रम जैसे न्याय और प्रजा का कष्ट हरे तो इस सिंहासन पर पैर रख सकता है, अन्यथा जलकर भस्म हो जाएगा। राजा भोज परी की बात सुनकर के रुक जाते हैं, और परी से कहते हैं कि परी, राजा विक्रम कैसे लोक कल्याणकारी कार्य करते थे, कैसे प्रजा का कष्ट हरते थे। तो वह परी राजा भोज से कहती है, राजन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की एक कथा सुनाती हूँ। तो श्रोताओं, परी सुना रही है राजा भोज को। परी कहती है कि प्राचीन काल में उज्जैन नगरी पर भर्तरी के छोटे भाई विक्रम राज्य करते थे। विक्रम बड़े प्रजापालक, प्रजा का कष्ट हरने वाले, पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। एक दिन की बात है कि राजा विक्रम एक जंगल में शिकार खेलने चले जाते हैं। श्रोताओं, पहले राजाओं के नियम होते थे कि यदि उन्हें आखेट नहीं मिले, शिकार नहीं मिले, तो वो घर वापस नहीं लौटते थे। तो उस दिन दुर्भाग्य से राजा विक्रम को भी कोई शिकार नहीं मिली, आखेट में कोई भी जीव नहीं मिला। तो राजा विक्रम किसी गांव में अन्यत्र ही ठहर जाते हैं। उस समय एक गरीब किसान का घर उन्हें गांव से बाहर मिला, और उस घर के दरवाजे पर एक चारपाई पड़ी हुई थी। उस चारपाई पर राजा विक्रम बैठ जाते हैं और वहीं अपना अस्त्र बांध देते हैं। हे श्रोताओ, थोड़ी देर बाद उस घर का मालिक किसान आता है, और राजा विक्रम को देख करके उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। तो राजा विक्रम कह देते हैं कि मैं एक राहगीर हूँ। इस पर वह किसान राजा विक्रम की जैसी उसकी श्रद्धा थी सेवा करता है, उसकी भोजन व्यवस्था करता है। श्रोताओ, राजा वहीं ठहर जाते हैं, और आधी रात्रि का जब समय होता है तो राजा विक्रम का हाथ एक बुढ़िया से टकरा जाता है। वह बुढ़िया स्वयं विधि ब्रह्मा थी। राजा विक्रम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इधर कहाँ जा रही हो। तो इस पर बुढ़िया कहती है कि मैं विधि ब्रह्मा हूँ, और अब से एक घंटे बाद इस किसान के घर एक पुत्र पैदा होगा, और मैं उस पुत्र के जो अंक होते हैं विधाता के, उन्हें लिखने जा रही हूं। हे श्रोताओ, बुढ़िया इतना विक्रम कहते हैं कि बुढ़िया, यदि उधर से आप लौटें तो मेरे पास होकर जाना होगा, तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। इस पर बुढ़िया हां कर देती हैं। राजा विक्रम बुढ़िया को जाने देते हैं, और जब बुढ़िया कुछ लिख करके वापस लौटती हैं तो राजा विक्रम बुढ़िया से पूछते हैं, बताइए आपने क्या लिखा था उस लड़के के भाग्य में।
तो इस पर बुढ़िया कहती है कि आज से ठीक 16 साल बाद उस लड़के का विवाह होगा राजन, और उस विवाह के समय उस लड़के को शेर मारेगा जब उसकी उसके फेरा डलेंगे, उसकी भामर पड़ेंगी, उस समय शेर उसका वध करेगा। राजा विक्रम कहता है ठीक है आप जाइए। प्रातः काल होता है तो किसान के घर में खुशी मनाई जा रही थी, पुत्र हुआ था। इस पर राजा विक्रम अंदर चला जाता है और दोनों पति पत्नियों को सुना करके कहता है कि हे किसान, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं उज्जैन नगरी का नरेश राजा विक्रम हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक बात कह के जा रहा हूँ। जब ये तुम्हारा पुत्र 16 बरस का हो जाए तो आप इसका विवाह करेंगे, और उस विवाह के अवसर पर मुझे निमंत्रण जरूर देना। राजा की ये बात सुनकर के किसान इस बात को अहोभाग्यम कहता है और हाँ कर देता है कि हे राजन श्रेष्ठ, मैं आपको अवश्य निमंत्रण दूंगा। हे श्रोताओ, राजा तो इतना कहकर के चले जाते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। किसान का लड़का 16 बरस का हो जाता है और जब उसका विवाह होता है तो किसान उस राजा को निमंत्रण देना भूल जाते हैं। परंतु ठीक जब बारात जा रही थी उसी समय उस किसान को ध्यान आ जाता है और अपनी पत्नी से बोला कि जब ये लड़का पैदा हुआ था उस समय उज्जैन नगरी के नरेश राजा विक्रम ने मुझसे निमंत्रण देने के लिए कहा था, तो मैं राजा के पास जाता हूँ। हे श्रोताओ, वह किसान दौड़ा हुआ राजा के पास पहुँचता है और महाराज को निमंत्रण देकर कहता है कि महाराज, मैं ध्यान भूल गया आपका निमंत्रण देने का, परंतु हे प्रभु, अब इसकी शादी है आज की और बारात जा रही है। इस पर राजा कहते हैं कि हे किसान, तुम सीधे चलिए, मैं उसी गांव में पहुंच रहा हूं और मेरे भोजन की व्यवस्था मैं स्वयं कर लूँगा, तुम परेशान मत होना। ये कहकर के किसान अपनी बारात लेकर के चल देता है और पीछे से राजा अपनी समस्त सेना को आदेश देता है कि आप समस्त सैनिक तैयार हो जाएं। राजा भी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के उसी शहर की तरफ चल देता है जहां किसान के लड़के की शादी होनी थी। पूरा शहर राजा को आया हुआ देख करके बारात में घबरा जाता है कि ये किसान कितना बड़ा ताकतवर है, इसकी बारात में तो राजा आया है। परंतु राजा ये आदेश देता है कि किसान, मेरी भोजन व्यवस्था मेरी सेना की मैं स्वयं कर रहा हूँ, मैं तो केवल तुम्हारा विवाह देखने आया था, और उस बात को गोपनीय रखता है कि मुझसे विद ब्रह्मा ने भी कुछ कहा था। हे श्रोताओ, फेराओं का समय नज़दीक आने लगा तो राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, उन्होंने एक घेरा गांव के बाहर डलवा दिया, एक घेरा दूसरा गांव की परिक्रमा में अंदर डलवा दिया, और तीसरा घेरा उस मकान के चारों तरफ डलवा दिया, और चौथा घेरा एक बंद कमरे में राजा ने आदेश दिया कि एक बंद कमरे में फेरा डलेंगे, बंद कमरे के चारों तरफ डलवा दिया, और स्वयं राजा उन फेराओं पर तलवार लेकर के खड़े हो गए। इस बात को देख करके ब्राह्मण और किसान डरने लगे कि क्या कारण है ऐसा जो ये नरेश इतना बंदोबस्त कर रहे हैं, ऐसी चौकस व्यवस्था कर रहे हैं। हे भक्तों, जब फेराओं का समय हुआ, दूल्हे और दुल्हन फेराओं पर बैठ गए। जब फेरा पड़ना प्रारंभ हुआ था और 6 फेरा डल गए, जब 7वें की बारी आई तो उस दूल्हे की कटार में एक सिंह का चित्र बना हुआ था, एक शेर का फोटो बना हुआ था। भक्तों, उस फोटो में से राजा ने देखा कि एक शेर कूद जाता है, निकल जाता है और निकल के उस दूल्हे का वध कर देता है, उस किसान के लड़के को मार देता है। राजा उस पर जब तक तलवार से प्रहार करना चाहते हैं तब तक वह उसी तलवार में वापस समा जाता है। हे श्रोताओ, स्वयं यमराज आए थे उसे मारने के लिए, क्योंकि विधाता के अंकों को कोई मिटाने वाला इस सृष्टि में पैदा नहीं है। हे भक्तों, किसान और समस्त बरपक्ष के लोग रोने लग जाते हैं। इस पर राजा कहता है कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं तुम्हारे इस पुत्र को जीवित करूंगा, इसकी डेड बॉडी को तेल में रखवा दिया जाए।
राजा ने तेल की व्यवस्था की और उस किसान पुत्र की डेड बॉडी को इस तेल में रखवा दिया जाता है। हे भक्तों, राजा अपनी सेना को आदेश देता है और अपने मंत्रियों से और सेनापतियों से कहता है कि मैं जब तक लौट करके आऊँ तब तक आप राज्य व्यवस्था का संचालन सही से करें, कोई भी प्रजाजन कष्ट ना पाए, प्रजा आराम से रहे। हे श्रोताओ, इतना कहकर राजा सेना को वापस भेज देते हैं और उस डेड बॉडी को तेल में डलवा देते हैं और स्वयं चल देते हैं तलवार हाथ में लेकर के उस लड़के को जीवित करने की तलाश में। हे भक्तों, श्रोताओ, राजा विक्रम रास्ते में चले जा रहे हैं और किसी एक गांव में ठहर जाते हैं। उस गांव में राजा विक्रम ने देखा कि एक बुढ़िया चाखी पीस रही है और बेचारी रोती जा रही है। इस पर राजा विक्रम उस बुढ़िया से पूछते हैं कि हे माता, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम क्यों रो रही है। इस पर बुढ़िया कहती है कि बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, एक राजा है कर्ण और उसके यहाँ मेरा पुत्र नौकरी करता है और मैंने अभी नई नई शादी की है, मेरी बहू अकेली है और वो छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाने के लिए तैयार है और राजा उसे छुट्टी नहीं देता है। इस पर राजा विक्रम कहते हैं कि माता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लड़के को मैं 3 दिन बाद तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम तुम्हारी बहू से कह दो कि 3 दिन बाद उसका लड़का आ जाएगा। हे श्रोताओ, राजा विक्रम उस बुढ़िया से इतना कह करके और सीधे जबलपुर में बिलहरी, भाई मेरे इस YouTube चैनल पर MP से ज़्यादा श्रोता हैं, तो वो श्रोता देखिए कोई MP में जबलपुर के पास बिलहरी है और बिलहरी कटनी के पास है और उसमें एक दुर्ग बना हुआ है प्राचीन और वहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी है और उस राजा कर्ण का किला भी है। मैंने नहीं देखा लेकिन कहानी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, कथा के अनुसार। हे श्रोताओ, इतना सुनकर के राजा विक्रम बिलहरी के लिए चल देते हैं राजा कर्ण के पास। कर्ण राजा बड़ा ही दानी, जो कि प्रत्येक दिन 125 सोने का दान करता था, ऐसा पराक्रमी और धर्मात्मा राजा था। हे भक्तों, राजा धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाता है राजा कर्ण के राज्य महल में। राजा कर्ण से किसी बहाने से भेष बदलता है और भेष बदल करके राजा कर्ण से कहता है कि हे राजन, मेरा एक साथी है, मेरा भाई है और वो आपके यहाँ नौकरी करता है। इस पर राजा कर्ण कहते हैं, हाँ आपका साथी है परंतु वो मेरा अंग रक्षक है। वह राजा का अंग रक्षक था, राजा की जब राजा सोता था तो उसकी पलंग की सुरक्षा करते थे। तो राजा बोला कर्ण कि भाई, मैं उन्हें छुट्टी नहीं दे सकता, वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं। तो इस पर राजा विक्रम उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि हे नरेश, तुम्हारी जब तक ये लौट कर नहीं आएगा, मैं ये व्यवस्था, ये ड्यूटी मैं करूँगा। और राजा विक्रम उसे छुट्टी दिला देते हैं और स्वयं उसके स्थान पर ड्यूटी करने लग जाते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं। भेष बदल करके राजा विक्रम उसके अंग रक्षक बन जाते हैं राजा कर्ण के। हे श्रोताओ, परी कहती है, हे राजन भोज, क्योंकि ये कथा परी सुना रही थी राजा भोज को, हे राजा भोज, ध्यान से सुनिए। जब राजा विक्रम को राजा विक्रम इस तरीके से उस लड़के को घर भेज देते हैं और स्वयं राजा कर्ण के अंग रक्षक बन जाते हैं, वह लड़का सहर्ष अपने घर आ जाता है और आराम से सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो परी कहती है, हे राजा भोज, ऐसे उपकार करते थे राजा विक्रम, ऐसे प्रजा के रक्षक थे, दूसरे के कष्टों को हरने वाले थे, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। और कहती है परी, राजन ध्यान से सुनो, जब राजा विक्रम वहाँ राजा कर्ण के अंग रक्षक बन जाते हैं तो कुछ समय निकल जाता है और जब उनको कुछ समय हो जाता है तो राजा विक्रम को पता चलता है
कि राजा कर्ण प्रतिदिन 52 सोने का दान करते हैं। बिलहरी नरेश राजा कर्ण, जो कि राजा विक्रमादित्य के भर्तृहरि के छोटे भाई थे, उनके समकालीन थे, प्रतिदिन 52 सोने का दान करते हैं। तो राजा विक्रम सोचने लगे कि इतना सोना इस नरेश के पास आता कहाँ से है। तो राजा विक्रम ने एक दिन सोचा कि मैं इसे आज देखूंगा ये रहस्य क्या है। राजा विक्रम के पास 4 यक्ष थे, जिनको वीर भी कहा जाता है, 4 यक्ष थे, जिन्न भी कहते हैं। राजा विक्रम ने सोचा कि ये राजा कर्ण सुबह प्रातः 2 बजे जाग जाता है, जबकि जागने का समय 4 बजे का होता है, और ये 2 बजे जाग करके कहाँ जाता है इसको मुझे देखना होगा। हे श्रोताओं, जैसे ही राजा कर्ण 2 बजे जगते हैं तो राजा विक्रम उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हुए देखा कि गांव के उस बिलहरी शहर के बाहर, राजधानी के बाहर, एक चामुंडा माता का मंदिर था। उस मंदिर में राजा कर्ण प्रवेश कर जाते हैं। राजा विक्रम भी एक कोने में छिप जाते हैं, देख रहे हैं समस्त हाल। राजा कर्ण क्या करते हैं कि वहाँ लक्कड़ पड़े हुए थे, लकड़ी, और लकड़ियों को एक भट्टी, लकड़ी जलाने की जगह होती है, उसमें जलाना प्रारंभ कर देते हैं, और उस पर एक कढ़ाई रख देते हैं, बहुत बड़ा कढ़ा रख देते हैं, और उसमें 5 या 6 पीपा तेल डाल देते हैं। तेल डाल करके जब तेल बिल्कुल उबल जाता है, बहुत तेज गर्म हो जाता है, उबाल आ जाता है, तो उसमें राजा कर्ण गिर जाते हैं। हे भक्तों, थोड़ी देर के बाद राजा कर्ण उसमें पक जाते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो कुछ समय बाद वह चामुंडा माता वहाँ से निकल करके आती है और आकर के राजा कर्ण को आराम से बैठ करके खा जाती है। उसका समस्त मांस खाने के बाद जो हड्डियाँ शेष बच रही हैं, उन हड्डियों को एक स्थान पर रख देती हैं। हे श्रोताओं, राजा विक्रम ये समस्त हाल देख रहे थे, और जब खाने के बाद पानी पी लिया माता चामुंडा ने, तो एक उनके पास अमृत का कलश था, उस कलश में से उसने उस राजा की अस्थियों पर छींटे मार दिए, और जैसे ही छींटे मारे तो राजा कर्ण पुनः जीवित हो गई, और उस चामुंडा माता ने अक्षय पात्र में से, चामुंडा माता के पास एक अक्षय पात्र था, उस अक्षय पात्र में से 52 सोना राजा कर्ण को दे दिया, और राजा कर्ण उस 52 स्वर्ण को लेकर के 4-5 बजे, प्रातः 5 बजे आ जाते हैं अपने महल में, और पीछे से राजा विक्रम भी आ जाते हैं, और उसने समस्त सोना दरवाजे पर खड़े कंगलाओं को और भिखारियों को वितरित कर दिया। इतने महान दानी थे राजा कर्ण, जो प्रतिदिन 52 सोने का दान करते थे भक्तों। हे श्रोताओं, इस तरीके से राजा कर्ण ने आकर के 52 सोना कंगलाओं और भिखारियों में वितरित कर दिया। जब राजा विक्रम ने यह देखा कि राजा कर्ण महान दानी है और 52 सोने के लिए इसे प्रतिदिन जन्म मरण की यातना भोगनी पड़ती है, इससे ज़्यादा दुखी इस संसार में दूसरा कोई और नहीं है। तो हे भक्तों, दूसरे दिन राजा विक्रम दिन में शहर को जाते हैं और शहर से 10 पीपा शुद्ध देसी घी खरीद करके लाते हैं, और साथ में मेवा, मिष्ठान और अन्य सामग्री, जिससे उसका मांस स्वादिष्ट बन जाए, लेकर के आते हैं और उसे मंदिर के कोने में छिपा करके रख देते हैं। हे भक्तों, जब दूसरे दिन रात होती है तो राजा कर्ण सो जाते हैं और राजा विक्रम उसके पलंग पर अंग रक्षक बन के उसकी सुरक्षा करते हैं। परंतु राजा विक्रम के पास 4 यक्ष थे, मैंने आपको पहले ही कहा था, 4 वीर थे राजा के पास। जब 2 बजे का समय होता है तो राजा विक्रम अपने 4 वीरों को राजा
कर्ण पर जमा देते हैं, बैठा देते हैं राजा कर्ण के ऊपर कि ये राजा जाग नहीं जाए। तो राजा कर्ण सो जाते हैं और राजा विक्रम वहां से राजा कर्ण का भेष धारण करके देवी के मंदिर में चले जाते हैं। चले जाते हैं उस बलहरी राजधानी के बाहर चामुंडा माता के मंदिर में, वहां जाकर के राजा भट्टी को जलाते हैं और उस पर कढ़ा रख देते हैं। कढ़ा रख करके उसमें बजाय तेल के शुद्ध देसी घी डाल देते हैं और साथ में अनेकों मेवा सूखे मेवे डाल देते हैं। भक्तों, जब वह घी उबाल आ जाता है तो राजा विक्रम उस कढ़ा में कूद जाते हैं और राजा विक्रम उसमें थोड़ी सी देर में जल करके रंध जाते हैं, पक जाते हैं राजा विक्रम। हे भक्तों, कुछ समय बाद उस मंदिर में से माता चामुंडा प्रकट होकर के निकल के आती हैं और राजा विक्रम के मांस को राजा कर्ण समझ करके चबा चबा करके खाने लगती हैं और अस्थियों को, हड्डियों को एक साइड में रख देती हैं। जब भोजन करने के बाद माता चामुंडा ने अमृत कुंड में से राजा विक्रम में छींटे मारे तो राजा विक्रम जीवित हो गए और माता चामुंडा प्रसन्न होकर बोली, हे राजन कर्ण, मैं आज तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे आज वरदान मांगिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। इस पर राजा विक्रम कहते हैं, हे माता, मुझे 3 वचन दे दीजिए। चामुंडा माता राजा विक्रम को पहचान नहीं पाई क्योंकि राजा कर्ण के भेष में थे और धोखे में आकर के राजा विक्रम को 3 वचन दे देती हैं। तो राजा विक्रम कहते हैं, हे मातेश्वरी, पहले ध्यान से सुनिए, मैं राजा कर्ण नहीं हूँ, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य हूँ। मुझे आपसे ये अमृत का कुंड और ये अक्षय पात्र चाहिए, आप इन दोनों को मुझे दे दीजिए। ये बात सुनकर के चामुंडा माता होश में आती हैं और कहती हैं, अरे राजन, मेरे साथ तूने छल किया है। तो इस पर राजा विक्रम कहते हैं कि माता, आज के बाद ये कढ़ा भी बंद रहेगा, यहाँ कोई नरबलि नहीं दी जाएगी, आज के बाद इस मंदिर में कोई भी आकर के इस कढ़ा में नहीं कूदेगा। ये 3 वचन माता चामुंडा से लेकर के राजा विक्रम कहते हैं कि माता, यदि आप वचनों से फिरती हैं तो फिर सकती हैं, नहीं तो ये 3 वरदान मुझे दे दीजिए। तो इस पर देवी चामुंडा राजा विक्रम को अमृत का कुंड और अक्षय पात्र दे देती हैं और राजा विक्रम जल्दी से शीघ्रता से उसी पलंग की रखवारी करने आकर के खड़े हो जाते हैं और राजा कर्ण से जो पलंग पर वीर जमा रखे थे उन वीरों को हटा लेते हैं। जब राजा कर्ण को निद्रा से चेत होता है, जागते हैं राजा कर्ण, तो सोचते हैं, आज तो मैं लेट हो गया, मेरे द्वार पर कंगला आ गए होंगे, भिखारी आ गए होंगे, आज मैं स्वर्ण दान कहाँ से करूँगा। तो राजा कर्ण सीधे चामुंडा के मंदिर की तरफ जाते हैं और मंदिर में जैसे ही कढ़ा को सीधा करने लगते हैं तो माता चामुंडा कहती है, राजा कर्ण, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास से अमृत का कुंड उज्जैन नरेश विक्रमादित्य ले गया है और वही वह अक्षय पात्र भी ले गया है और मुझसे इस कढ़ा को बंद करने का वचन भी ले चुका है, तो आप यहां से शहर से जा सकते हैं। इस पर राजा विक्रम, राजा कर्ण उदास होकर के अपने महल को आ जाते हैं और उसे उदास देखकर राजा विक्रम कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनिए, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य हूं और मेरा काम है दूसरे के कष्ट हरना, दूसरे के दुखों को दूर करना। तो हे नरेश, तुम मेरे तरीके से राज्य करो, ये मैं तुम्हें अक्षय पात्र है इसे प्रदान करता हूं, इसमें से प्रतिदिन 25 स्वर्ण आपको मिलेगा, आप इससे दान कर सकते हैं और ये अमृत का कुंड मैं तुम्हें प्रदान नहीं करूंगा, इसे मैं मेरे साथ लेकर के जा रहा हूं और तुम इस अक्षय पात्र से प्रतिदिन 25 स्वर्ण दान कर देना और तुम जन्म मरण के उस घोर यातनाकारी कष्ट से मुक्त हो गए हैं। तो राजा कर्ण महाराज विक्रमादित्य को पहचान जाते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं।
हे भक्तों, इस तरीके से राजा कर्ण को समझाकर चल देते हैं सीधे उसी किसान के लड़के को जीवित करने, और आ जाते हैं उस शहर में जहां वो लड़का जो पहले मरा हुआ था उसे जीवित करने के लिए गए थे, उसकी डेड बॉडी तेल में रखी थी उसके वहां। राजा विक्रम उस राजा के लड़के, उस किसान के लड़के की डेड बॉडी को तेल से निकलवाते हैं, मृत शरीर को, और उसमें अमृत के छींटे मारते हैं। तो राजा के छींटे मारने के पश्चात वह लड़का जीवित हो उठता है। हे श्रोताओं, इस तरीके से राजा ने उस लड़के को पुनः जीवित किया और फिर उस किसान की बारात बुलाई और उस लड़की की शादी कराई। तो वह परी कहती है राजा भोज से, हे राजन भोज, यदि तुम इस तरीके के न्याय, धर्म और जन कल्याण के कार्य कर सकें, पराये कष्टों का हरण कर सकें, तो इस सिंहासन पर पैर रख सकते हैं, अन्यथा तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तो भाई, टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, आप ध्यान से सुने कि जो सवामन सोने का दान करने वाले राजा कर्ण थे वो महाभारत कालीन कर्ण नहीं थे, वह दूसरे कर्ण थे, बिलहरी नरेश, जो कि राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। हालांकि राजा कर्ण भी दानी थे, वह भी महादानियों में आते हैं, राजा कर्ण भी महाभारत कालीन कर्ण है वो भी, परंतु जो सवामन सोने का दान करते थे वो बिलहरी नरेश कर्ण थे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मेरे YouTube चैनल पर MP से बहुत से श्रोता और सब्सक्राइबर बंधु मौजूद हैं, तो कृपया आप ये बताएं कि आपके वहाँ बिलहरी है या नहीं, और वहाँ चामुंडा माता का मंदिर है या नहीं। वहाँ ये किंवदंतियाँ भी चलती हैं, और किंवदंतियों को हालांकि सत्य मानना सही नहीं है, परंतु उन्हें इस तरीके से झूठा सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। और कुछ इतिहासकारों ने भी इसको सिद्ध किया है। मैंने कुछ इतिहासकार MP के उस पुरातत्व विभाग के अनुसार भी मैंने पढ़ा है कि राजा कर्ण बिलहरी नरेश थे और सवामन स्वर्ण का प्रतिदिन दान करते थे, और वहीं चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर आज भी विराजमान है। तो इस तरीके से ये श्रोताओं, अब ये कहानी समाप्त होती है, और वह परी राजा भोज को सिंहासन पर नहीं चढ़ने देती है और स्वयं अंतरिक्ष को चली जाती है। अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में अवश्य आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर किया करें। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।